यहां पर आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है ओके आई कैन डो अनदर लाइन सेगमेंट दे और एक लाइन सेगमेंट बनाया बराबर अब टू मोर लाइन सेगमेंट्स यहां से और एक लाइन सेगमेंट एंड अनदर लाइन सेगमेंट एक, दो तीन और चार चार लाइन सेगमेंट्स को जॉइन करके एक क्लोज्ड फिगर देखो इसके अंदर का एरिया जितना भी है वो अंदर मतलब ये लाइन सेगमेंट के विद इन है इट इज नॉट एन ओपन फिगर ये ओपन फिगर नहीं है कम्पलीटली क्लोज फिगर है ऐसा एक कम्पलीटली क्लोज फिगर जो चार सेगमेंट से बनाया हुआ है वन टू थ्री फोर इसे क्वार्टेटल कहते हैं क्वार्टेटल का बहुत सारे शेप्स होते हैं कोई भी शेप में आप बना सकते हैं देर शुड बी फोर साइड्स फोर वटाइस दिस इज द वटेक्स ये जो पॉइंट है कॉर्नर का जो पॉइंट है दैट इज द वटेक्स सो फोर वटाइस वटाइस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वटेक्स फोर साइड्स ओवर फोर वटाइस एंड फोर एंगल्स सी वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल एंड फोर एंगल सो बिफोर गो थ्रू बिफोर गोइंग थ्रू द क्वाडरलेटर ऑफ थरौली लेटर सी वॉट इज एन एंगल एंगल आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी सेगमेंट तो आपने देखा लाइन का एक स्मॉल पार्ट को सेगमेंट कहते हैं ये हो गया और हमेशा को नाम नाम करने के लिए, नाम देने के लिए, लिए देने दो लेटर यूज करता है सेगमेंट का नेमिंग सेगमेंट को नाम देना है सिंगल लेटर में कभी सेगमेंट का नाम नहीं बोलता थ्री लेटर में कभी सेगमेंट का नाम नहीं बोलता सेगमेंट का नाम ऑलवेज दो लेटर में बोलते हैं सो आई कैन राइट पी एंड क्यू दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू सो सेगमेंट पी क्यू मीन्स ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन पी एंड क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितने भी लेंथ है जितने भी पॉइंट्स है सभी को मिलाकर कर यहाँ से ये फुल दैट इज अ सेगमेंट एंड वाइल नेमिंग द सेगमेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग टू पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड सेगमेंट को नाम देने के लिए स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट दोनों पॉइंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है सो वी कैन से दिस सेगमेंट हैगमेंट पी क्यू तो सेगमेंट चाहे कोई भी हो आप उसका नाम लेते वक्त दो लेटर लिखना जरूरी है नाउ लेट्स गो थ्रू एन एंगल एक एंगल क्या होता है वो हो, देखेंगे दिस इज एन एंगल दो सेगमेंट यहां पर जुड़े हैं इट कैन बी रे ऑल्सो एक लाइन मतलब सेगमेंट के एक एंड में अगर मार्क देते हैं सो इट इज कॉल्ड रे ओके तो यहां पर एरो मार्क डालेंगे सो इट बिकम्स अ रे ओ पी ओ पी एक रे है हमेशा पॉइंट से एरो मार्क की तरफ रे का नाम बोलते हैं रे पी ओ नहीं रीड कर सकता क्योंकि आरो मार्क की तरफ से नाम नहीं पड़ता पॉइंट फुल स्टॉप उसके तरफ से नाम पड़ता है तो रे ओ पी और इसका नाम अगर मैं यहाँ पर क्यू लिखूँ तो रे ओ क्यू वी के नॉट से रे क्यू ओ क्यू ओ नहीं पढ़ सकता आर ओ हेड के उधर से नाम नहीं रीड करने को शुरू करता है ऑलवेज पॉइंट से लेकर आर ओ हेड के तरफ पढ़ेंगे ओ क्यू पढ़ेंगे क्यू ओ प, नहीं पढ़ेंगे ओ पी पढ़ेंगे पी ओ नहीं पढ़ेंगे लेकिन एरोमार के बिना अगर मैं यहाँ पर लिखी होती ये जो एंगल है इसमें मैंने एरो मार्क नहीं डाला तो दिस इज अ सेगमेंट दिस दिसर सेगमेंट इसका नाम अगर मैं लूँ पी ओ क्यू एक एंगल का नाम बोलने के लिए हमें तीन लेटर की जरूरत है और एक लेटर भी बस हो जाता है यहाँ पर देखो एंगल का सिंबल इस तरह डालते हैं यानी यहाँ पर कुछ डिग्री है एंगल का मेशन डिग्री में होता है जो आप प्रोट्रैक्टर की मदद से करते हैं राइट सो so, एंगल का मेसर बताने के लिए हमें इधर एक छोटा सा रिंग ऐसा डालना है सो दिस इज एंगल पी ओ क्यू सॉरी पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू एरो हेड के तरफ से वट एक्स दिस इज दट एक्स ओ इज द वट एक्स कॉर्नर उधर से दूसरे एरो हेड तक एंगल पी ओ क्यू इट इज रेड एक्स इसको रीडिंग करता है एंगल छोटा सा एंगल का सिंबल डालना है एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू और इसका नाम अगर ऐसा पढ़ोगे एंगल ये एंड से क्यू ओ पी एंगल क्यू ओ पी इस तरह भी इसका एंगल पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो मिडल वर्ड क्या है मिडिल लेटर क्या है ओ दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ओ तो इसको सिंगल लेटर में भी लिख सकते हैं एंगल ओ तो अभी फिलहाल तो आपके लिए आसान होगा सिंगल लेटर से लिखने थ्री लेटर लिखना भी आपको जानना जरूरी है लेकिन कैसा लिखना है नेवर स्टार्ट स्टार्ट विद द द वर्टेक्स 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 से नहीं करना शुड बी ऑलवेज इन मिडल ये जो कॉर्नर का जो पॉइंट है हमेशा मिडल में होना है एंगल ओ बताना है तो ओ शुड बी इन द मिडल सिंगल लेटर में लिखोगे तो आप डायरेक्ट एंगल ओ लिख सकते हो लेकिन तीन लेटर में लिख रहे हो तो ओ शुड बी इन द मेडल क्यू ओ पी भी लिख सकते हो पीओ क्यू भी लिख सकते हो आपको नोटिस करना मेन बात यह है कि ओ शुड बी इन द मेडल सिंगल लेटर में तो इश्यू नहीं है सिंगल लेटर में आप सीधे एंगल 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 ओ बता सकते हो सो दिस इज द वे वी नेम अ एन एक को इस तरह हम लोग नेमिंग करते हैं ओके तो यहाँ पर भी वैसे ही है इधर एरो हेड नहीं है इतना ही है तो ये भी एंगल पीओ क्यू है यही एंगल क्यू ओ पी है यही एंगल ओ है ओके ओ इज द वर्टेक्स ओ क्या है वर्टेक्स ऑफ द एंगल और ओ पी और ओ क्यू ओ पी और ओ क्यू इन दोनों को आर्म्स कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल ओ पी इज वन आर्म ओ क्यू इज द अदर आर्म आम हम जानते हो आर्म मतलब हाथ बराबर तो यहाँ पर एंगल को दो आर्म है एंगल को दो आर्म है एक आर्म वर्टेक्स से एक तरफ जाते हैं ओ पी दूसरा आर्म वर्टेक्स से इस चालू करो ओ क्यू तो दो आर्म्स एक वर्टेक्स एंगल पॉइंट क्यू सॉरी पॉइंट ओ और यहाँ पर एंगल इतने इतने सब चीज़ें हैं वापस है, से यहाँ पर वर्टेक्स ओ है ध्यान से बातें सुनना वर्टेक्स ओ है और वर्टेक्स से शुरू होकर एक तरफ ओ क्यू वन आर्म वर्टेक्स से शुरू होकर अदर तरफ ओ पी अदर आर्म और इसका मेशर ओके okay? एक्चुअली एंगल का साइड्स को ही क्या कहते हैं हम आर्म्स ओ ओ पी एक आर्म आर्म और क्यू दूसरा देखिए यहां से वर्टेक्स में से हम आर्म्स का नाम बता रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि एंगल का नाम अगर आपको तीन लेटर में हार्ड पड़ते हैं तो फिलहाल के लिए आप सिंगल लेटर में बोल सकते हैं सो सिंगल लेटर में बोलते वक्त आपको इसका नाम ओ बोलना है जहां पर वर्टेक्स है ये एंगल का नाम कभी पी नहीं होगा कभी क्यू नहीं होगा इट कैन बी पी ओ क्यू और क्यू P, अदरवाइज जस्ट ओ ठीक है तो एंगल का नाम इस तरह हम लिखते हैं नाउ लेट्स अगेन गो बैक टू द क्वाडरी लेटरल तो क्वाडरी लेटरल और एक हम बना लेते हैं ये देखिए यहां पर एक वर, एक सेगमेंट और और एक सेगमेंट में बना रही हूं दो सेगमेंट तीन सेगमेंट और फोर सेगमेंट्स चार सेगमेंट को जोड़ के क्वाड्रिलेटरल बनाया ओके एंड आई एम नेमिंग दिस क्वाड्रिलेटरल लेना को नाम देने जा रहा है ए बी सी डी अब आप पूछें आप सोचेंगे कि इसको क्या लाइन से नाम देना है ए के बाद बी ही देना है ज़रूरी नहीं है आप ए के बाद एम दे सकते हो एम के बाद क्यू दे सकते हो जो लेटर आपको देना दे सकते हो लेकिन वंस इसका नाम डालने के बाद इसको रीडिंग कैसा करेंगे और लिखेंगे कैसे एक क्वाड्रिलेटरल लेटर का एट तरीके से नाम लिख सकते और सभी नाम सेम ही होता है एक क्वाड्रिलेटरल लेटर का नाम आठ तरीके से हम लिख सकते हैं ओके अभी आप जानते हो क्लॉक क्या होता है क्लॉक में सुई किस तरह घूमता है इस तरह बराबर है ऐसा सपोज समझो जो ट्वेल्व क्लॉक है आगे काउंट गिंदे जाएंगे तो इस तरह क्लॉक में सुई घूमता है दैट इज द क्लॉकवाइज वो होता है क्लॉक वाइस इस तरह गए ऐसा ऐसा आएगा बराबर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जो क्लॉक घूमता है क्लॉक में सुई जो घूमता है उसके उल्टा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ओके दिस इज एंटी क्लॉक वाइज तो दोनों तरफ से हम लिख सकते हो दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट ए ए में स्टार्ट हुआ तो आप आहिस्ा पढ़ सकते हो या फिर ए से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज आहिस्सा कर सकते हो ए से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज पढ़ सकते हो जैसे ए डी सी बी या फिर ए से ही स्टार्ट करके एंटी क्लॉक वाइज कर सकते हो ए बी सी डी ओके सो यहाँ पर इनका नाम सब हम लिखने जा रहे है नेम्स इसके अलग अलग वे से नेम्स इन अ डिफरेंट वेस अलग अलग तरीके से नाम यहां पर क्लॉक लिख रही हूं और यहां पर एंटी क्लॉक लिख रही हूं ओके okay? किस तरह इसका नाम करना है देखो फिगर हमारे सामने है ओके अस स्टार्ट विथ ए सो वी कैन से द नेम ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आप कभी ऐसा नहीं लिखना ए बी डी सी आपको अगर एक जगह से स्टार्ट हो रहा है तो लाइन से जाना है ए बी और बी से सी में ही जाना है डायरेक्ट डी पे नहीं जाना है ए सी बी डी ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं. आप ये एक लेटर से स्टार्ट हुआ एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ तो कोई एक डायरेक्शन में कंटिन्यू जाकर पढ़ना है उसका नाम सो so, इसको पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल एक छोटा सा बॉक्स डालेंगे दैट इज़ द सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसी क्वाड्रिलेटर का नाम मैं वापस से ए से स्टार्ट करके ये अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज़ किया सॉरी सॉरी एंटी क्लॉकवाइज़ किया ना तो यहाँ पर आएगा वो क्वाटिलैटरल ए बी सी डी और क्लॉक वाइज में क्या होगा ए डी सी बी इट शुड बी ए डी सी बी लेट मे कट इट एंड राइट अगेन क्वाटिलेटरल ए क्लॉक वाइज ऐसा ए डी सी बी ए डी सी बी दोनों देखिए ए से स्टार्ट हुआ दिस इज एंडी क्लॉक वाइज और दिस इज क्लॉक चाहे कौन सा भी मैं से लिखो लेकिन हमें सीरियल ऑर्डर में लिखना है ए के बाद क्या है पॉइंट डी डी के बाद क्या है सी सी के बाद बी वैसा ही हमें लिखना है तो एक दो नाम हो गया ऐसा अब लेट्स गो अहेड वन मोर टाइम और देखते हैं बी से स्टार्ट करो बी से स्टार्ट करके क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ना ऐसा बी ए डी सी क्वाड्री लेटरल बी ए डी सी क्वाड्रिलेटरल लेटरल बी ए डी सी अब इसका एंटी क्लॉक वाइज मतलब बी से उल्टा बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल B बी सी बी सी डी ए हो गया अब नेक्स्ट सी से स्टार्ट कर लेते हैं क्लॉक वाइज करेंगे ऐसा क्लॉक वाइज सी बी ए डी सी बी ए डी और यहां पर क्वाड्रिलेटरल सी से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है सी डी ए बी सी डी ए बी एंड द लास्ट वन क्वाड्रिलेटरल डी से स्टार्ट करते डी से क्लॉकवाइज ऐसा डी सी बी ए डी सी बी ए और क्वाटीलेटरल डी से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज डी ए बी सी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आप इस तरह जाओगे ऐसा टुवर्ड्स राइट ऐसा फिर लेफ्ट ऐसा जाओगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन में ओके okay. तो ए डी सी बी ए डी सी बी फर्स्ट क्लॉकवाइज वाला बी से अगर लेंगे तो बी ए डी सी सी से लेंगे तो सी बी ए डी और डी से लेंगे तो डी सी बी ए ये सभी क्लॉक वाइज था नेंटी क्लॉक वाइज मतलब इस तरह ए बी सी डी और बी से बी सी डी ए सी से सी डी ए बी और डी से डी ए बी सी ओके तो आपको स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइस वगैरह आपसे पूछेंगे पूछने का चांस ये है कि राइट द डिफरेंट नेम्स या राइट द नेम्स ऑफ द गिवन क्वाटल आटल इन डिफरेंट वेज तो आप आठ तरीके से लिख सकते हैं आप चाहे ऐसा सेपरेट तरीके से लिख सकते हो क्लॉक वाइस वाला और एंटी क्लॉक वाइस वाला सेपरेट लिख सकते हो इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफिकली आज क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज तो आप कोई भी मेथड मतलब से लिख सकते हो मतलब एंटी क्लॉक वाइज ऐसा स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं पूछा तो पर इफ़ यू राइट देन दैट विल भी बेटर ओके तो ये था आठ अलग अलग तरीके से क्वाटल आटल का नाम जब भी ना क्वार्टर लेटर का नाम लिखते हैं उसे जस्ट पहले आपको क्वार्टर लेटर का सिंबल लिखना होगा और इसको रीडिंग करते वक्त ये जो सिंबल को क्वाटर करके प्रोनाउंस करना होगा प्रोनाउंस करना है क्वार्टर उसके बाद नाम पढ़ना है ए डी सी बी क्वाटर लेटरल बी ए डी सी इस तरह अभी हम क्वाडर लेटर का साइड्स को पहचान लेते हैं साइड्स यहाँ पर और एक क्वार्टर लेटर बनाया पहले वाला क्वाटर का नाम हमने ए बी सी डी पे लिखे थे तो इसका टोटली थोड़ा अलग लाइन वाइज नहीं है ओके अल्फाबेटिकल लोडर में कुछ नहीं लिखिए पी और ये वर्टेक्स का नाम एम और इसके बाद ये वाले का नाम आर इस वर्टेक्स का नाम एस ठीक है तो यहाँ पर एक काम करते पहले साइड्स को पहचान लेते हैं और वर्टेक्स को भी वर्टाइसस उसे भी पहचान लेते हैं एंगल तो हमने देखा फिर भी एंगल्स को भी पहचान लेते साइड्स और एंगल्स ठीक है नाउ ये फिगर में अच्छा से देखो इसका नाम कैसे आप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल वॉट क्वाड्रिलेटरल पी एम आर एस या फिर पी एस आर एम एम पी एस आर और क्वाड्रिलेटरल एम आर एस पी क्वाटर आर एम पी एस और क्वाड्रिलेटरल आर एस पी एम क्वाटर एस पी एम आर और क्वाड्रिलेटरल एस आर एम पी आप अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर आप पूरे कंसंट्रेशन से देखते हैं तो मैं जब नाम बोलते तो आप भी मेरे साथ ज़रूर बोले होंगे या शायद मेरे से पहले ही आपने आंसर दे दिए होंगे ओके तो थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग नाउ साइड क्या क्या है देखो साइड के लिए दो लेटर चाहिए एंगल के लिए तीन लेटर नहीं तो एक लेटर चाहिए ये सब मैंने आपको बताया है साइड ये देखो ये जो एक सेगमेंट है एक साइड है ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इट अ साइड ओके सो वी कैन राइट साइड पी एम साइड पी एम यहां से यहां तक साइड पी एम दूसरा एक सेगमेंट यहां पर है साइड एम आर एम से आर तक तो दो लेटर में साइड बोलेंगे कभी भी ओके साइड एम आर एम आर जरूरी नहीं कि आपने पी एम बोला तो तुरंत एम आर ही बोलना है ओके okay. आप साइड पी एम लिखने के बाद आप साइड एस आर भी तो लिख सकते हो कोई इश्यू नहीं है तो नेक्स्ट साइड का नाम लिख रही हूँ यहाँ से यहाँ कौन सा एस आर यू कैन रीड आर एस ऑल्सो इसको क्या कर सकते एस yes, आर भी पढ़ सकते हो आर एस भी पढ़ सकते हो सो आई एम राइटिंग एस आर साइड एस आर कहाँ से इधर से लेकर इधर तक दैट इज़ साइड एस आर और यहाँ पर है साइड पी एस या फिर एस पी साइड एस पी तो ये पूरे इस क्वाटर के साइड से साइड पी एम साइड एम आर साइड एस आर इधर से इधर तक और साइड एस पी ओके तो साइड्स का नाम लिखते वक्त दो लेटर चाहिए स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट ना वटाइस क्या क्या है ये जस्ट पॉइंट जो दिख रहा है पॉइंट पी एक एक्टेक्स पॉइंट एम एन दो वटेक्स पॉइंट आर तीसरा वटेक्स और पॉइंट एस चौथा वटेक्स तो चार वटाइस है इसको वटाइस प्लूरल पी एक एक्टेक्स एम एक्स वटाइस मतलब जस्ट ए पॉइंट है ओके एंगल बोलने के टाइम में भी एंगल बो पी बोलेंगे लेकिन वो एक पॉइंट नहीं है ये पूरा ये एरिया को वो एंगल कहते हैं तो पी हो गया एम हो गया आर हो गया एस हो गया दिस आर द वटाइस ऑफ दिस फिगर अब एंगल्स एंगल मतलब देखो एंगल मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसी फि क्या बोलते हैं इसी वीडियो के स्टार्टिंग में एंगल का नाम लेते वक्त आपको एक साइड से यानी एंगल के आम का एंड से वर्टेक्स में आकर फिर जाना है दैट इज पी ओ क्यू अदरवाइज यू कैन से जस्ट ओ बराबर तो यहाँ पर इस क्वार्टर लेटर में जो एंगल्स है उसे कैसा पढ़ेंगे देखते हैं पहला एंगल चलो ये एंगल को पहले ले लेते हैं इस एंगल का नाम हम ये देखो यहाँ से यस से पी पी से एम इतना पार्ट है इस इस आम, दिस इज द आर्म दिस टू आर आर्म्स ऑफ दिस एंगल और ये वर्टेक्स तो दो आर्म होगा और वर्टेक्स होगा आम के एंड से आकर वर्टेक्स में जाके दूसरे आम के एंड में जाना है तो एंगल का नाम हो गया एंगल एस पी एम पर सिंपली हम क्या लिख सकते हो एंगल पी और दूसरा एंगल का नाम एंगल एम लिख सकते हो और तीसरा वाले का नाम एंगल आर लिख सकते हो और चौथा वाला नाम एंगल एस लिख सकते हो लेकिन इसका नाम को प्रॉपरली जरा देखना है तो किस तरह ये वाला एंगल इस एंगल का नाम होगा पहले इस एंगल से यानी एम वर्टेक्स में से दोनों तरफ एक एक आम जाता है उस आम का एंड से नाम पढ़ो एंगल पी एम आर अदरवाइज आर एम पी एम शुड बी इन द मिडल और इस एंगल का नाम अगर पढ़ना है एंगल आर पढ़ सकते हो उसके अलावा एंगल आर के उधर से एक आम इधर दूसरा आम इस तरफ जाते हैं तो उस आम का एंड से एंगल एम आर एस अदरवाइज इधर से एंगल एस आर एम इस तरह वो एंगल का नाम कर सकते हैं या फिर एंगल एस के बारे में बोलेंगे तो एंगल एस का वेटेक्स इधर है और वेटेक्स से एक काम इस तरफ एक काम इस तरफ जाते हैं कोई भी एक काम का एंड से आर एंगल आर एस पी या फिर एंगल पी एस आर ओके इस तरह हम तीन लेटर में नहीं तो एक लेटर में एंगल का नाम लिखते हैं दो लेटर में साइड्स का नाम लिखते हैं सिंगल लेटर में वर्टेक्स का नाम लिखते हैं तो अब तक हमने क्वाटर क्या है देखा क्वाटर का डिफरेंट पार्ट्स देखे वटेस साइड्स और एंगल्स देखे और उनका सभी का नेमिंग कैसा करना है नाम कैसा डालना है या बोलना है लिखना है ये देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट क्वाटर को लेकर जैसे कि क्वाटरलाटर का साइड्स ऑपोजिट वाले साइड्स एडजस्टेंट वाले साइड वगैरह वगैरह ओके सो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय